ये है नाड़ाबेट द्वार, और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे अंदर। अंदर क्या क्या है वो बता देता हूँ। सो ये ऑडिटोरियम है नाड़ाबेट बॉर्डर का। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये है 23, 25 और 24, ये परेड एरिया, यहाँ पर परेड होती है। दूर दूर तक भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सामने इस तार के उस साइड पे पाकिस्तान है, और ये है हमारा इंडिया गुजरात। इस तरीके का आपको बेल्ट दिया जाएगा। भारत माता की जय। तो दोस्तों फाइनली नाड़ाबेट बॉर्डर, जो हमारे गुजरात में एक सीमा है जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है, वहाँ पर है। यहाँ पर आपको बोर्डिंग नज़र आ रहा होगा। बस यहाँ से 150 मीटर दूर पाकिस्तान है, और अभी एलडी भाई ने एक शूट भी लिया है कि वहाँ की भेड़ बकरियाँ दिखाई हमको। अरे मैंने मेरे आईफोन से जूम किया, वहाँ एक गाय और भेड़ है, वहाँ सामने की ओर है, हमने देखा वो वाला। तो ये जगह हिम्मत नगर से 265 और अहमदाबाद से 280 किलोमीटर जितना हुआ है। हम लोगों ने 4 घंटे में कवर किया, रुके, खाया पिया, ऐसा करके हम लोग आए। और मेन जो लोकेशन वहाँ का है, वहाँ पर भी बढ़िया जगह है, तो वो भी दिखाएंगे, बट मेन ये देखने के लिए आए हैं। और यहाँ पर हम लोग कुछ फोटोग्राफ्स लेंगे, वो आपको इंस्टाग्राम पर नज़र आ जाएगी। तो कैसा है नाड़ाबेट बॉर्डर और क्या क्या है यहाँ पर देखने लायक, तो चलिए सफ़र सुबह से शुरू। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गुज्जू राइडर। गुज्जू राइडर के चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। एक और नई सुबह, एक और नई राइड, और रेडी हो चुके हैं नए एक और डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। बाइक अभी हमारी लाइन में लगी हुई है फ्यूलिंग के लिए, और आज का डिस्टेंस है वो अराउंड आने जाने का 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा होने वाला है। हम लोग जाने वाले हैं नाड़ाबेट बॉर्डर, जो इंडियन और पाकिस्तान की एक बॉर्डर है और सीमा दर्शन है। वहाँ पर बहुत सारे लोकेशन हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो और वो जगह देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर करना ना भूले। आज घर बैठे बैठे आप ये इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर देखने वाले हो, और रास्ता कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते, अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। गुजरात घूमना है मेरा काम, गुज्जू राइडर है मेरा नाम। सो फ्यूलिंग हो गया है, और वैसे मीटर कंसोल ख़राब है, स्पीड नहीं दिखाएगा, बट फ्यूलिंग तो हो गया है। और एलडी भाई और हमारा जो मीटअप पॉइंट है वो मेहसाणा सर्कल पे रखा हुआ है, जो यहाँ से 60-65 किलोमीटर्स है, और नाड़ाबेट का टोटल डिस्टेंस अराउंड 250 प्लस है। और ये जो हाईवे है वो विजापुर वाला है, विजापुर मेहसाणा। सो नो इश्यू, लेट्स गो, हैव अ सेफ राइड टू एलडी भाई एंड मी। थैंक यू सो मच, आपकी तरफ से मैंने बोल दिया है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। देखो 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 क्या ही नज़ारे हैं भाई साहब, अर्ली मॉर्निंग और सुबह का माहौल है। अभी फॉग है रोड पे, इतनी विजिबिलिटी नहीं है भाई, लेकिन जो माहौल है, आय हाय हाय, देखो 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 पीछे तो देखो, अरे साइड पे देखो भाई, पीछे मत देखो। वाग्यू नहीं तो वन नमी की ओके। तो एक भाई बेचारे सुबह सुबह बाइक लेके गिर गए, और दूध भरवाने के लिए जा रहे थे,
होप फॉर द बेस्ट ऐसा किसी के साथ ना हो और वो अच्छे हो, उनको कोई चोट ना आई हो। दूध बह गया है, नुकसान तो हुआ है बट ऊपर वाला और तरक्की देगा उनको। सो अभी हम लोग मेहसाना पहुंचेंगे कुछ ही देर में और एलडी भाई भी निकल चुके हैं, तो देखते हैं कौन पहले आता है, एलडी भाई या मैं। और जगह हमने तय की है बट देखते हैं। यही है शायद ONGC सर्कल और यहीं पे रुकना है। अगर सुल्तान आई होगी तो वो तो दिख ही जाएगा, सुल्तान आई होगी तो दिख जाएगा। देखते हैं कहाँ पर है और कॉल करूँगा मैं रुक के। सो यहाँ पर अभी कोई भी आया नहीं है, हम लोग सामने होटल पे रुक जाते हैं। तो एलडी भाई जैसे ही आता है उनको कॉल करते हैं, देखते हैं, और चाय नाश्ता करके फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी तो रुकना पड़ेगा मेरा भाई। तो यहीं पर ही रुकते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है। ओके, अभी फाइनली मेहसाना ONGC सर्कल पर पहुंचे हैं और एलडी भाई आ चुके हैं। देखो देखो देखो, ये सुल्तान, सुल्तान की आवाज़ देखो भाई। बढ़िया भाई, एलडी भाई। सो मॉर्निंग में भाई ये अहमदाबाद से आ चुके हैं और हम लोग हिम्मतनगर से आ चुके हैं और बारिश की वजह से बाइक का हाल वैसे ही बेहाल है। बट अभी मेहसाणा ONGC में थोड़ा यहाँ पर चाय नाश्ता करेंगे और अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे नाड़ापेट बॉर्डर के लिए। सो अभी मेहसाणा से निकल रहे हैं नाड़ापेट बॉर्डर के लिए। एलडी भाई की बाइक भाई क्या ही आवाज़ कर रही है, क्या ही आवाज़ कर रही है। सो बाइक का और कार का एक्सीडेंट हो गया है और कौन सी बाइक है पता नहीं बट टियागो है। ओ भाई साहब, आज रास्ते में पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। लंबी जर्नी है तो ये सब चलता रहता है, बस हमें सेफली राइड करना है और शांति से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। बस यहीं से राइट लेना है। अब यहाँ से सुईगाम, सुईगाम से नाड़ापेट, यस 63, परफेक्ट, लेट्स गो। नाड़ापेट 21 किलोमीटर और दिखा रहा है भाई, हाँ सही है, और वहाँ पर नाड़ापेट 45 दिखा रहा है। मतलब नाड़ापेट जो है वो एंट्री अलग है और पॉइंट व्यू का शायद 45 अलग है। तो भाई वाइट डेजर्ट आपको देखना हो तो नाड़ापेट बॉर्डर पे आपको थोड़ा बहुत तो दिख ही जाएगा। देखो बढ़िया है भाई, बढ़िया। रास्ते में जाते ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे आपको दिखेगी। सो अभी यहाँ पर एक बोर्डिंग है, चेक पोस्ट है। वेलकम टू नाड़ापेट, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, और दूर दूर तक आप देखो। ओ भाई साहब, यहाँ पर वाइट डेजर्ट जैसा है। नाड़ापेट सीमा दर्शन में आपनो हार्दिक स्वागत है। सो यहां से टिकट्स लेना है।
टिकट्स लेना पड़ेगा यहाँ से भाई, देखते हैं क्या सीन रहता है। सो टिकट्स ले लिया है और कुछ इस तरीके का एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं अली भाई? क्या बोलते हैं बंटाई? जब भी आप नाड़ा बॉर्डर और नाड़ा बेट बॉर्डर या यहाँ पर आते हो तो खाने पीने के लिए पूरा जोन है यहाँ पर, और पहले है टिकट रिचार्ज पॉइंट। तो आपको क्या करना है, इस तरीके का आपको बेल्ट दिया जाएगा, इस बेल्ट को यहाँ पर आके रिचार्ज करवाना है कि आप अपने मन चाहे पैसे डाल सकते हो, 500 लोड कर सकते हो, 1000 लोड कर सकते हो, और कभी कभार इसमें लोड नहीं करता है तो एक कूपन भी देता है। तो अभी तो हम लोगों ने कूपन लिया है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। पहले जाते हैं हम बॉर्डर देखने के लिए, फिर वापस से यहाँ पर इस जो कैंपस है उसके अंदर जो जो भी एक्टिविटीज़ है वो सब आपको दिखाएंगे। तो चलिए अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। फाइनली अभी हम लोग नाड़ाबेट बॉर्डर पहुंच चुके हैं, और जिसे जीरो पॉइंट कहते हैं, ये 22 किलोमीटर जितना दूर है मेन एंट्रेंस से। और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए गार्डन वगैरह भी है, और एक छोटा सा स्टॉल भी है जहाँ से आप लोग पानी और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह ले सकते हो। यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं जो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक व्यू पॉइंट है जिसके ऊपर से आप यहाँ का पूरा एटमोसफियर अच्छे से देख पाओगे, और जो ये सराउंडिंग वाइट डेजर्ट जैसा एरिया है वो भी आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो ये व्यू पॉइंट से कुछ इस तरीके का नज़ारा हमें नज़र आता है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुज्जू राइडर। गुज्जू राइडर के चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों फाइनली नाड़ाबेट बॉर्डर पहुंच चुके हैं, और भाई अमेजिंग फीलिंग है यहाँ की। दूर दूर तक भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सामने इस तार के उस साइड पे पाकिस्तान है, और ये है हमारा इंडिया गुजरात, और वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स है, मतलब वहाँ पर से चेक करके अंदर भेजते हैं। एक यहाँ पर पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, एक वहाँ पर पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, उसके आगे नहीं जाना है, यहाँ तक आप आ सकते हो और यहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले सकते हो। तो अभी हम कुछ लोगों से बोलेंगे कि मेरा और एलडी भाई का साथ में फ़ोटो ले, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त मिले हैं, वो लोग भी हमारी तरह ऐसे ये जगह एक्सप्लोर करने के लिए आए, देखने के लिए आए। तो क्या कहना चाहोगे? भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और यहाँ से पानी बोतल वगैरह लेते हैं, तो ये यहाँ पर ऐसे ही फेंक देते हैं। ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मत करो प्लीज़। तो ज़ीरो पॉइंट को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे, और एक मंदिर है जो देखने लायक है, और उसके बाद वहाँ पर जो म्यूज़ियम वगैरह बनाया गया है उसको एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी विजिट ज़ीरो पॉइंट की, अब वापस जाएंगे हम। अभी रास्ते में रुके हैं और बहुत सारी जगह पर ऐसे छोटे छोटे स्टॉप्स लगाए हुए हैं जहाँ पर आप बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हो, और हर जगह पर एक वॉर की निशानी या फिर ये लोग जो भी व्हीकल या फिर क्या बोलते हैं आर्मरी यूज़ करते हैं उसका एक एक स्टैचू या फिर रियल स्टैचू यहाँ पर रखा गया है। अब ऊपर एक व्यू पॉइंट है, शायद आपको दिख रहा होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, और वहाँ से ये पूरा जो सराउंडिंग है वाइट डेजर्ट जैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो चलिए मेरे साथ चलते हैं पहले ऊपर, और ऊपर से चेकआउट करते हैं पूरा व्यू, और इस जगह का नाम है व्यूइंग डेक। तो चलते हैं ऊपर की ओर और ऊपर से देखते हैं कि ये नज़ारा कैसा नज़र आता है। और वीडियो में यहाँ पर स्टॉप नहीं करने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखो कि ये जो माहौल है भाई साहब गजब। तो लेट्स गो। थैंक यू सो मच मेहुल भाई फॉर दिस सेल्फी स्टिक। अरे भाई और भी ऊपर है अभी। थक गया मैं तो। एक नरेश्वरी टेंपल है, जो भी हमें यहाँ से एक मैप मिला है उसके अंदर भी इस लोकेशन का नाम मेंशन है। तो जब भी आप नाड़ाबेट को एक्सप्लोर करने के लिए आते हो तो ये टेंपल की विज़िट ज़रूर से कीजिएगा। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी पीसफुल है और यहाँ पर ठंडक भी है। तो जब भी आप यहाँ पर आओ और कोई धूप लगती है तो आप यहाँ पर बैठ के रेस्ट भी कर सकते हो, और ये एक मंदिर है उसकी आप विज़िट भी कर सकते हो। मंदिर परिसर में वीडियो लेना मना है, इसलिए मैंने जितना भी फुटेज कलेक्ट किया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और बाहर यहाँ पर एक प्रसाद स्टोर भी है, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये यहाँ से एक मैप दिया जाता है जो गाइड है कि यहाँ पर क्या क्या है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और यहाँ पर हम जाके आए, यहाँ पर भी जाके आए, ये देखना बाकी है। 5 नंबर पे है ऑडिटोरियम, ये बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। पहले ये एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर ये 23 नंबर पे क्या है, ईवी एक्सपीरियंस जोन। तो ये परेड देखने के लिए जगह है, यहाँ पर परेड होती है। और 26 पे है शरद गथा म्यूज़ियम। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं फटाफट हम लोग देख के आते हैं। यहाँ पर एक और फूड कोर्ट है बट वो शायद बंद है, और एक शॉप है कैंटीन शॉप। तो जितनी भी चीज़ें हैं इस साइड पर है, और मैप देख लेते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव PSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो सामने जो म्यूज़ियम दिखा जा रहा है वहाँ पर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ये सारी की सारी जगह। और यहाँ पर ना परेड होती है, वैसे मैं आपको वो दिखा देता हूँ एरिया, ये देखो सामने पूरा एक्टिविटी जोन है, एडवेंचर जोन है ये पूरा। ये नाड़ाबेट का ऑडिटोरियम है और इसके ऊपर 3D पेंट बनाया गया है पूरा। ट्राई करता हूँ मैं थोड़ा क्लोज से दिखाने का। आर्मी ले लो भाई, ये तो मेरे फोटो में कसम ना दो। अरे बोल ना, आ यहां बारो सो ये ऑडिटोरियम है नाड़ाबेट बॉर्डर का, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सर्कल के बिल्कुल सामने है 5 नंबर पे। तो ये है पूरा ऑडिटोरियम, बहुत ही शानदार है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिए। इस मैप के 17th में लोकेशन पर है और इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे थोड़ा नहीं आता है, अजय प्रहरी। तो इस तरीके का ये लोकेशन है। अब फटाफट चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है ये लोकेशन नाड़ाबेट बॉर्डर में जो आया हुआ है। और बहुत सारे लोकेशन है, आप पूरा डे यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो। सो बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ से एंट्री, तो LEDs रखी हुई है, एक गन है और AC बढ़िया सी चल रही है भाई, इसकी ज़रूरत थी। तो यहाँ पर बहुत सारे बोर्डिंग लगे हुए हैं जहाँ पर आर्मी से रिलेटेड जो जो भी मेडल्स वगैरह होते हैं, किन को मिला था, कौन से साल में, वो सब डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई। ये फ्रेम ड्रॉपिंग हो रही है क्योंकि ये LED से बना हुआ है। ये देखो भाई साहब, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। चुनाव हिम्मत के रोशन करते हैं देश के लिए बहन जो सदर। तो जितने शहीद जवान थे उनके ट्रिब्यूट के लिए यहाँ पर उनकी डिटेल चलाई जाती है वीडियो के द्वारा। सो ये है लोकेशन 17th। ये बस स्टॉप भी है और ज़ीरो पॉइंट जाने वाली जगह भी है। सही बात, थैंक यू सर। सो ये है नाड़ाबेट द्वार और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे अंदर। अंदर क्या क्या है वो बता देता हूँ। परेड एरिया है और परेड अरना लिखा हुआ है। एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, सरहद गाथा म्यूज़ियम है, आर्ट गैलरी है नाम नामक निशान वाली, बस स्टॉप तो जो बाहर देखा, AV एक्सपीरियंस जोन वो देखते हैं, फिर भारत के वीर और जॉइन द फोर्स। तो ये गेट है, इसके अंदर से हमें जाना है। देखते हैं फटाफट क्या चीज़ें हैं। बहुत बड़ा जोन है ये, देखो कितना बड़ा एरिया है भाई, कितना बड़ा एरिया है। तो पहले बाहर देख लेते हैं फटाफट। तो I am @ नाड़ाबेट ऐसा लिखा हुआ है, जैसे वहाँ पर ट्राई कलर में लिखा हुआ था इंडियन फ्लैग के कलर में 0 पॉइंट पे, और यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एक ऑफिस है जॉइन द फोर्स, पता नहीं मतलब क्या फोर्स ज्वाइन करने के लिए फॉर्म वॉर्म डलवाते हैं। और फोटोग्राफी के लिए बेस्ट जगह है मेरे हिसाब से, और एक दिन की विज़िट के लिए आप मस्ट 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 यहाँ पर आ सकते हो। आपको कैसी लग रही है बताना जगह। ये देखो एक छावनी बनाई हुई है, ये एक छावनी जैसा बनाया गया है। ये देखो एक और वहाँ पर भी है, वो भी दिखा देता हूँ और फिर चलते हैं अंदर की ओर। ये मशीन गन लगा हुआ है इधर, ये देखो। ये है सरहद गाथा, फटाफट चलते हैं अंदर देखते हैं। ओ माय गॉड, ओ भाई साहब, सरहद गाथा के अंदर भी एक लेआउट है, इतना पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है। मस्त ठंडक है भाई, मस्त ठंडक। यहाँ पे स्टोरी चल रही है, ये सूर्य मंदिर, रण ऑफ गुजरात। बहुत बढ़िया जगह बनी है, डेजर्ट ऑफ राजस्थान।
राजस्थान की रेत लाके बनाया है क्या? हो सकता है शायद। और ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये छकड़ा है, तो ये पूरा लेआउट 3D में बनाया गया है और प्रोजेक्टर चल रहा है। ये देखो भाई साहब, वाइट डेजर्ट के लिए गजब गजब। और पूर्वोत्तर के घने जंगल, ओहो 3D एक्सपीरियंस, बोट में बैठने का अनुभव। फटाफट से चलते हैं, अपने पास डेटा भी कम है। पूरा नाड़ा बेट आपको घर बैठे बैठे दिखाने वाला हूँ मैं। बाइनोक्यूलर ड्रोन अपने पास भी है। भाई साहब यहाँ पर एसी बढ़िया है भाई, बाहर इतनी धूप है ना उस हिसाब से यहाँ पर एसी बहुत मस्त। ये सीमा है, अभी आ चुके हैं नाम नमक निशान आर्ट गैलरी। तो यहाँ पर पूरा सभी पेंटिंग्स वगैरह है और ये पूरी आर्ट गैलरी है। टाइम लेके आओ, बहुत अच्छी जगह है, पूरा दिन स्पेंड करो, हमारे पास टाइम नहीं है। सो आई एम गोइंग बैक। एलडी भाई का भी फ़ोन आ गया, निकलो फटाफट। सो ये एक आर्ट गैलरी है, जब भी नाड़ा बेट आओ देखना ना भूलना। और अभी आ चुके हैं इस एरिया में। ये कौन सा एरिया, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है 23, 25 और 24, ये परेड एरिया, यहाँ पर परेड होती है। तो ये पूरा परेड जोन है। सो आपको बस जगह दिखा रहा हूँ, आप देख लो। और ज़्यादा टाइम नहीं है और स्टोरेज की भी कमी है, फटाफट से आगे निकलते हैं। एडवेंचर जोन बाकी है, वो देखने के बाद अपने वीडियो को एंड करेंगे। सो इट्स अ जोन, टाइम टू रिफ्लेक्ट। सो ये एक जगह है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है और 7 मिनट का एक वीडियो चलाया जाता है जो कैसे रिफ्लेक्ट करता है उसके लिए। तो जब भी आप आओ यहाँ पर, टाइम हो यहाँ पर ज़रूर आना,
बहुत ही बढ़िया जगह। सो ये गेमिंग जोन है, बच्चों के लिए है स्पेशल, और बड़े भी खेल सकते हैं वैसे। ये गेमिंग एरिया है तो यहाँ पर गेम वगैरह भी खेल सकते हो। हमने एक गेम खेली वहाँ पर, वो बढ़िया लगी मेरे को। तो ये पूरा गेमिंग जोन है, गेमिंग जोन। तो यहाँ ये एडवेंचर जोन है और जहाँ पर आपको टिकट्स लेना होता है। ये टिकट स्टोर है तो आप यहाँ से टिकट परचेस कर सकते हो, और बहुत सारी गेम्स हैं आप यहाँ पर खेल सकते हो। जैसे यहाँ पर शूटिंग रेंज है, और यहाँ पर ATV राइड है। हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पहुँचना है घर, सो हम लोग वरना यहाँ पर पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए है। फिर यहाँ पर है स्विंग, फिर ये जिपलाइन। बहुत सारी जगह है यहाँ पर जहाँ पर आप खेल सकते हो और अपना पूरा दिन यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो। और पेंटबॉल, यहाँ पर आप पेंटबॉल भी खेल सकते हो। तो बहुत ही मस्त जगह है, और एक दिन के लिए आप यहाँ पर पिकनिक प्लान कर सकते हो, विजिटिंग कर सकते हो। ये सारी जगह है जो आप पूरे एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हो। ये है भारत के वीर, बट ये लॉक है, क्या है पता नहीं। सो ये थी नैनाबेट की जर्नी, और एलडी भाई जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर चलते हैं और अपना वीडियो एंड करते हैं। तो यहाँ पर साइकिलिंग कर सकते हो आप रोप पे, रोप साइकिलिंग, जिप साइकिलिंग भी बोल सकते हो आप, हॉर्स राइड और कैमल राइड भी कर सकते हो। और अभी जहाँ पर एलडी भाई बैठे हैं मैं फटाफट वहाँ पर पहुँचता हूँ। फाइनली पूरा नैनाबेट बॉर्डर का जो ये भी जो कुछ भी लोकेशन है वो आज हमने एक्सप्लोर कर लिया है और ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया है। और जब भी आप यहाँ पर आने का प्लान करो तो ये वीडियो ज़रूर से देखना, जिस वजह से आप एक भी लोकेशन देखना चूको नहीं। और अगर मैं भूल गया हूँ तो कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और सबको शेयर करना कि ये एक बॉर्डर है, ओपन फॉर ऑल है, वैसे पब्लिक को यहाँ पर आने देते हैं, और ये एक टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है, तो मस्ट कम हियर। और वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। गुजरात घूमना है मेरा काम, कुछ राइडर मेरा।